दोस्त, आज फिर से हम नया रेसिपी लेके आए हैं। रेसिपी तो ही है, सबके पास है, सबके बनाते हैं, लेकिन हम कुछ नया तरीका से बनाए हैं। तो ये है कबीले चना। तो चना हम भिजा के रख दिया था 3-4 घंटा के, तो थोड़ा गर्म पानी से भिजा के रख दे रहे हैं। तो फिर बढ़िया से धो लिए हैं और फिर हमें कुकर में दे रहा है। तो हम पूरा कुकर में दे दिए हैं और 2 प्याज दे रहे हैं काट के, और 1 टमाटा और 2 मिर्चा और थोड़ा पानी। तो हम फिर ढक दे रहा है, बस हम ढक दिए हैं। तो फिर ये हमारा हो गया है। तो थोड़ा सीटी हम उठा के देख रहा है कैसे भाई कि नहीं, तो हमें चेक करना भी ज़रूरी है। तो हमें चेक करके देख रहा है, हाँ 2 सीटी में इतना गल गया है, हमें बाकी सीटी देने के ज़रूरी नहीं पड़े हैं। तो हमें किनारे रख दे रहा है, कढ़ाई गरम करने के लिए दिए हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच हम तेल दे रहे हैं। तो तेल में हम दिए तेज़पत्ता, लाल मिर्च और जीरा। फिर दे रहा है प्याज और ये अदरक लहसुन। तो इसको हम खून लेंगे खुन्नी में देके, इसको हम खड़ा नहीं देंगे। खुन्नी में खुना एक टेस्ट अलग होता है। तो ये हम खून लिए हैं, अब इसको हम दे रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमको भूजना है बढ़िया से। जब तक बढ़िया से भूजेंगे नहीं तो बाकी कुछ नहीं देंगे। तो बढ़िया से भूज लिए हैं, तो अब हम टमाटर दे रहे हैं। तो टमाटर भी थोड़ा बढ़िया से भूज लेंगे। बस इसमें हल्दी छोड़ दे रहे हैं, नमक और धनिया, ये लाल मिर्ची, धनिया 2 चम्मच धनिया दे दिए हैं हम। बस फिर से चला दे रहे हैं। देखिए बढ़िया से हमारा भूज लिए हैं। तो इसी तरह से हमको भूजना है। तो फिर ये कबीले चना हम इसमें दे रहे हैं। फिर थोड़ा सा हम चलाए दे रहे हैं, बढ़िया से चला देंगे। चलाने के बाद हम इसको, ये जो इमली है, इमली के जूस हम बना के रख दिए थे, तो ये इमली के जूस हम दे रहे हैं। तो देखिए फिर इसको हम चला के फिर ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हमारा हो गया है। फिर ढक्कन उठा के देखे ने कैसे भाई, तो देखिए कलर कितना बढ़िया आ रहा है। तो इसमें हम जीरा, पीसे हुए जीरे मतलब भूज लिए थे, और ये गरम मसाला दालचीनी इलायची कुल हम पीस के इकट्ठा करके तब हम दे रहा है इसमें, और धनिया के पत्ता। तो देखिए कितना बढ़िया से हमारा बन गया है, और कितना ढाबा से भी अच्छा, अगर इसी तरह बनाइएगा तो ढाबा से भी अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत अच्छा है। तो हम दूसरा बर्तन में उतार लिए हैं, और ये आप किसी भी संगारे आप खा सकते हैं, चाहे रोटी से खाइए, भात से खाइए, पूरी से खाइए, लेकिन ये खाने में तो बहुत टेस्टी है। इस तरह आप लोग बनाइए, देखिए कितना बढ़िया लगेगा। ऑल दी बेस्ट दोस्त, ज़रूर बना के आप लोग ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।